राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज रेफ्यूजीमा में स्वागत है। और आज है दिन सोमवार है, शायद नहीं मंगलवार है, हाँ मंगलवार है। और इस टाइम पे शाम के पूरे 5 बज चुके हैं, जिस टाइम से मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो मशीन लगा रखी है, कपड़े धोऊंगी, साथ में सफाई का तो आज काम नहीं हुआ क्योंकि बस दिन में वही नॉर्मली जो काम होते हैं, फिर एडिटिंग का, फिर थोड़े से कपड़ों पर प्रेस की, और बस अब मशीन लगा दी थी। और ये सब्जी लेकर के आए थे आते टाइम पे, तो सारी जो सब्जी है वो मैंने निकाल ली है, बस मैं अब सारी धो करके रख दूंगी। नीचे मैंने ये एक जो किचन टॉवल है वो बिछा लिया है, इसके ऊपर धो धो करके रख दूंगी सारी सब्जी, और फिर सूखने के बाद टोकरी में डाल करके फ्रिज में रख दूंगी। और आज मंगवाई है अरबी, क्योंकि मैंने इनके पास फ़ोन किया था। ज़्यादातर सब्जी ना ये गाँव से ही लेकर के आते हैं आने के बाद, और फिर मैंने फ़ोन किया था कि सब्ज़ी लेकर के आना, और कुछ अलग से सब्ज़ी लेकर के आना जो कई दिन हो गए हों खाए हुए, क्योंकि ना बहुत वही 2-4 सब्जियां बिल्कुल बोरियत सी हो गई है। तो फिर इन्होंने वहाँ पे जाने के बाद बताया मेरे को कोई भी सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही थी, असल में ना मन ही नहीं करता कोई भी सब्ज़ी खाने का, पता नहीं क्यों। तो बस फिर मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, अरबी लेकर के आ जाना, फ्राई करके बना लेंगे, फ्राई की हुई तो अच्छी बनती है। और यहाँ पर मेरी माँ निकाल कर लेकर के आई है दूध, इसी टाइम पे देती है भैंस, बस अब एक ही टाइम पे शाम में, लेकिन ये है कि काम चल जाता है। और देखिए घर के दूध की बात अलग होती है, हम मोल लेकर के आते हैं उसकी अलग होती है, और फिर ऊपर से जो पड़ेटा दूध है वो भी हो चुका है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया भैंस की डिलीवरी हुए, तो काम चल जाता, मतलब दूध गाढ़ा हो जाता है इस टाइम पर आकर के और भी ज़्यादा, तो हमारा चाय पानी का और बच्चों का तो काम चल जाता है इसमें। और जो दही जमाने के लिए हम 1 किलो दूध सुबह में मोल ले लेते हैं, तो ठीक ठाक काम चल रहा है, देखते हैं भी कब तक चलाएगी। सोच तो रहे थे कि हम एक गाय ले लेते हैं, काफ़ी दिनों से सोच रखा था कि जब भैंस बिल्कुल दूध कम देना शुरू करेगी ना तब गाय ले लेंगे, लेकिन अब खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है तो नहीं मन है लेने का। और दूसरी बात ये कि हमारे पास 4-5 पशु पहले से ही हैं, तो फिर दिक्कत हो जाती है, मैं भी नहीं करवा पाती इतना क्योंकि मेरा भी खुद का काम है और नहीं कर पाती मतलब कि, तो फिर मेरी माँ को दिक्कत होती है। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम और ना लें, हाँ इनमें से कोई जो भैंस बिक जाएगी ना तो जा कर के हम ले लेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा हो जाता है इनको भी काम। और सोच रहे हैं बस आगे आगे एक या दो भैंस मुश्किल से रखेंगे, इनको भी दे देंगे सारी जो हैं, क्योंकि पहले तो मेरे काका भी करवा देते थे, हम भी करवा देते थे, नीचे होते थे, लेकिन अब नहीं जाया जाता क्योंकि ऊपर भी बहुत काम हो जाता है, साथ में फिर बच्चे और एक फिर जय इतना ज़्यादा परेशान करता है, कई बार तो ना बिल्कुल रुला देता है, क्या पता एक एक चीज़ के लिए कितने कितने देर तक जिद लगानी, रोना, बिल्कुल ना मतलब परेशान हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे इसकी थोड़ी सी टेंशन भी रहती है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ अब भैंसों का कोई भी काम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए आदमी को ना सच बोलना चाहिए, झूठ का कोई फ़ायदा नहीं होता। बस मेरे से अपना वीडियो का और यही कपड़े प्रेस करने, धोने, बच्चों का, ऊपर का झाड़ू पोछा, खाना पीना, बस यही होता है। तो बस अब जो दूध है वो भी छान करके रख दूंगी, ये कल के लिए रख देंगे क्योंकि कल इस टाइम तक ये दूध रखना है, और जो बचा हुआ है उसकी मैं दही जमा दूंगी और रात में जो बच्चों को पीने के लिए दे दूंगी। तो बस ऐसे ही काम चल रहा है, और अभी तो मेरे हिसाब से नवंबर दिसंबर में हमारी भैंस की डिलीवरी होगी, तो तब तक तो ऐसे ही चलाना पड़ेगा, काफ़ी लंबा खींच जाएगा, नहीं होती हमें दिक्कत लेकिन यही होता है कई बार भैंसों में नहीं फ़ायदा होता है। हमारी जो एक झोटी है वो काफ़ी दुखी कर रखा है उसने, अब तक तो कब की उसकी डिलीवरी हो गई होती। और मास्टर जी यहाँ पे कड़ी लेकर के जा रहे हैं, बुग्गी में रख करके आएंगे और फिर दे करके आएंगे इनको, क्योंकि ना ऊपर बहुत ज़्यादा कबाड़ हो रखा है, पुराने घर की जो ये कड़ी दरवाजे जो उतारे थे सारे ऐसे ही रखे हुए हैं, तो इनको दे करके आ जाएंगे। और नीचे भी आंगन में कई सामान इधर से उधर बजरी वगैरह ये पड़ा है, तो वो सारा उठा करके आंगन भी खाली करना है, ऊपर से छत भी खाली करना है, धीरे धीरे होते हैं काम, एकदम से नहीं हो पाते हैं। फिर ऊपर अभी हमने शिफ्ट किया था, फिर मिस्त्री लग गए साथ में, फिर आना जाना, क्योंकि आने जाने में 2-2 दिन तो हमें लगे हैं आराम से, फिर आने के बाद एक दिन मेरी तबीयत वैसे ख़राब रहती, मैं नहीं उठ पाती, चाहे मैं कहीं पे भी चली जाऊँ वहाँ से मैं ठीक ठाक आती हूँ, लेकिन आने के बाद मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है, तो वो दिक्कत होती है। फिर मेरे से 1-2 दिन में कपड़े धुलते हैं, फिर जाने का टाइम आ जाता है, क्योंकि अभी 20 दिन के अंदर अंदर 4-5 जगह गई होंगी, पहले हम मंदिर में गए द्वास पर, फिर मौसी के घर पे गए,
और फिर बर्थडे पर गए, फिर सुमन के घर पे गए, और फिर तीज मनाने के लिए हम वहाँ पे गए। तो मतलब दो दो तीन तीन दिन के गैप में ना कई जगह पे जाना पड़ गया। इस वजह से सारा जो सिस्टम है ना वो हिल गया है, नहीं है सेट कुछ भी। तो फिर कई दिनों में ऐसे समझ में आ जाता है जब काम बिखर जाता है, क्योंकि कपड़ों का काम फैल जाता है ना, हम प्रेस कर पाते हैं ना, हम धुल पाते हैं ना, हम घर को अच्छे से सेट कर पाते हैं। तो अब धीरे धीरे सेट होगा। और अब भी मेरे दो तीन मेरे पास फ़ोन आए थे कि चलो अब मैडी जा करके आते हैं, तो माँ के लिए भी मैंने मना कर दिया कि नहीं अब मैं नहीं जाऊँगी कहीं, क्योंकि ना तो मेरा मन है कहीं भी बाहर जाने का, और ऊपर से फिर मैं थक गई हूँ, और ऊपर से फिर मुझे अपना काम भी करना है। मेरे को ये कि एक बार सारे घर की अच्छे से क्लीनिंग हो जाए, पूरा घर अच्छे से सेट हो जाए जैसे मैं करना चाहती हूँ, उसके बाद फिर देखेंगे। और अब खाटू श्याम के लिए भी ये बोल रहे थे कि सीमा चलो खाटू श्याम चलेंगे, लेकिन मैंने कहा नहीं हम सितंबर या अक्टूबर में चलेंगे, थोड़ी सी गर्मी और कम हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है बच्चों के साथ गर्मी में बाहर जाने की। तो फिर देखेंगे, अब तो कहीं नहीं जा रहे हैं, थोड़े से दिन और रक्षाबंधन पे देखते हैं क्या होता है। तो बस अब मशीन में से कपड़े निकाल लिए थे जो कि धुल चुके हैं, और जिनको मुझे लग रहा था कि बुर्श की ज़रूरत है उनको बुर्श लगा दिया है, और बस अब पानी में से खंगाल करके इनको सूखने के लिए डाल दूंगी। और अपना कपड़ों का काम निपटाने के बाद यहाँ आ गई हूँ किचन में, अपने लिए चाय बना रही हूँ, क्योंकि ना थकावट सी हो गई थी। पी थी मैंने आज जो चाय 2:30 बजे के आसपास पी थी, वो ना मेरी ठंडी हो गई, मतलब मैं बहुत तेज़ गर्म पीती हूँ। तो फिर मुझे ये होता है कि जैसे चाय पी नहीं है अगर ठंडी हो जाए तो, क्योंकि बच्चे आ गए और मैं इनके साथ फिर बातों में लग गई थी। हाँ देखो आप लोग देखिए मम्मी कहाँ से डिगी है, कहाँ बैठी है जाके, ओ टांग। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, मैं ना इस छत पे से जो यहाँ जो हमारा ये रखा है ना प्लांट सा, इससे जो पर्दे छत है ना, छत है ना, उस पे से कूद गई थी हमारे घर पर। आपको पता है, देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे कैसे। हमारा गिर गया था वहाँ, मतलब बहुत सारे कपड़े गिर गए थे हमारे, तो हमने सोच, मम्मी ने बोला तू वो उठा ला, मम्मी बोली तू ना साइड में को उठा लाई हूँ जो मतलब साइड में को, इस साइड को मत उठा के लाई हो। मैंने ना गई तो वहाँ को और आ गई यहाँ को, मम्मी को लगा कि ये तो इस साइड को कैसे आ गई। मैंने कहा मम्मी वहाँ से आ गई, कहती वहाँ से मेरे को भी डर लगता तू कैसे आ गई। कत्ता जंगन बिल्ला लॉकिंग बिल्ला मैं हूँ तराजू। और एक गाना सुनाती हूँ मैं उसको, तो मैं एक राखी बनाऊंगी जय के लिए घर ही, राखी बनाऊंगी घर पर एक, वो सिंपल राखी है मतलब आसान सी है, मतलब मैं और राखी ढूंढूंगी वो मेरे को अच्छी नहीं लगी, पर वो है आसान। एक गत्ता लेके आपको पीला 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 रंग करना उस गत्ते पे, फिर आपको जितनी राखी बनानी है उतने गोल चकेरे काट के, गोल गोल काट के, और मतलब एक बड़ा काट लो, उससे छोटा उससे छोटा उससे छोटा, बीच में एक जोन सी मम्मी बिंदी लगाती है ना उनको चेप दो, और उनको चेप के लेस होती है, मतलब लेस होती है ना जो, जो लेस होती है ना उसको वो कर दो, लेस होती है ना उसको उस राखी के नीचे चपो दो, तो कितनी आसान राखी है ना, ये बिल्कुल आसान राखी है। और यहाँ पर मम्मी कपड़े सुखा रही है, दादा बाहर गए हैं ये देखिए, उस राखी का मैं बना लूंगी और आप लोगों के पास भेज दूंगी फोटो, देखें
दादा को, दादाजी को। दादा रुक जाओ, मैं अब सही से देख गई। और मेरी कॉपी, आज मैंने कॉपी का काम करा ना, जब मतलब हमने आज कंप्लीट, आज हम स्कूल में आपको आज एक बात बताती हूँ मैं, जाएगी जो राम राम जी, कैसे हो आप सब, आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइव विद सीमा में स्वागत है। ठंडा ठंडा मौसम हो चुका है, स्कूल में एक बार हुई थी बारिश ही, पर बारिश नहीं हुई, बारिश का मौसम इतना हो गया था, हाय रब्बा, अंधेरा इतना, रात को अंधेरा होता है ना ऐसे, इससे भी अंधेरा हो गया था पूरा, तो हो गया और फिर ऐसे अंधेरा हो जाता है, बिल्कुल अंधेरा, इससे भी तो हो गया था। तो जो कपड़े मेरे धुल चुके थे वो मैंने सुखा दिए हैं, और उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में, अपना जो दूध है वो गर्म होने के लिए रखना है, क्योंकि मुझे जमानी है दही, तो दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। और अब यहाँ पे जो सब्जियाँ हैं वो भी सूख चुकी हैं, तो अब इनको भी डाल करके मैं फ्रिज में रख दूँगी सारी, और बस अब यहाँ पर जो ये स्लैब है उसको भी साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली अपना ये काम निपटाने के बाद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा थी। और कुछ कारण ये भी है कि मैं अच्छे तरीके से, मतलब पूरी तरह से, वरना काम इतना होता है चाहे दिन में ना दो व्लॉग बना लूँ, लेकिन गर्मी में दुखी हो जाते हैं और एक काम करती हूँ कूलर के आगे जा कर के बैठती हूँ, फिर दूसरा काम करती हूँ फिर कूलर के आगे जा कर के बैठ जाती हूँ, तो इस वजह से मैं अच्छे से दिखा भी नहीं पाती। और फिर एक गर्मी में ये सारे सूट लोन के रह गए हैं, बाकी जो थे बिना लोन के वो मुझे एक भी नहीं आ रहा अब इस टाइम पे, सारे लोन वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ मैं काम करते टाइम पे, और बिल्कुल ये लगने लग जाता है जैसे ना कुछ चुभ रहा है। तो बस ये हो जाता है कि जल्दी से नहा करके और जो कंफर्टेबल कपड़े हैं ना वो पहन लूँ और फिर अपना काम करूँ, तो बस इसी करके मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली। तो यहाँ पर दही जमने के लिए रख दी है, और अब ये है सुबह की क्लिप, बच्चों को तैयार कर दिया है, बस अब उनके लिए जो बनाना सीखा वो बना दूंगी। और सोचा तो मैंने ये था कि सुबह उठते ही अपना मैं ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, ब्लॉग स्टार्ट तो था ही, मतलब कंटिन्यू करूंगी उसको, लेकिन फिर नहीं कर पाई क्योंकि सुबह सुबह मेरी लड़ाई हो गई थी इनके साथ, और तभी देखो किचन में अपना काम खुद कर रहे हैं, नहीं मैं मजाक कर रही हूँ, मेरी हेल्प कर रहे थे इस टाइम पर, बच्चों के लिए बादाम छील रहे हैं, और क्योंकि लेट हो गए थे, बस मेरा जब हो जाता है ना दिमाग ख़राब तो फिर मेरे से ना कई देर तक उठा नहीं जाता, मैं बैठ जाती हूँ और बहुत ज़्यादा रोती हूँ, गंगा जमुना सारी इकट्ठी आ जाती हैं फिर, और बोल भी देती हूँ अगले को, उससे भी ज़्यादा बोल देती हूँ, लेकिन फिर रोना भी बहुत ज़्यादा मुझे आता है, हालांकि ये कभी भी ऐसे सामने से लड़ते नहीं हैं, बस इनको जो बोलना होता बोल देते हैं, और फिर अगला बोलता रहेगा, बोलेंगे ही नहीं आगे से कुछ भी, चाहे मर्जी जो कुछ कह लें, बस हंसते रहेंगे, और फिर जैसे तैसे अगले को भी मना लेंगे। और मैं बोलती हूँ आपके साथ तो ना लड़ने का भी मज़ा नहीं है, कम से कम बंदा लड़ करके तो अपना मन शांत कर ले कि आगे से कुछ बोल दें, लेकिन ये कुछ भी नहीं बोलेंगे आगे से, हो जाता है कई बार ना विचार टकरा जाते हैं आपस में, सबकी सोच अलग होती है, सबका नेचर अलग होता है, तो हमारा भी नेचर बहुत ज़्यादा अलग है कई चीज़ों को लेकर के, वो अलग बात है, हम अलग नेचर के होते हुए भी एक दूसरे के साथ खुश हैं तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन कई बार हो जाती है, हर इंसान में ही हो जाती है, भाई बहन में भी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ में भी हो जाती है, सास बहू में भी हो जाती है, माँ बेटी में भी हो जाती है, तो ये तो सब जगह चलता रहता है। और बस कईयों की आदत होती है छुपाने की, कईयों की आदत होती है सच बता देने की, और मेरे हिसाब से अगर किसी इंसान को गुस्सा ही नहीं आता, कोई इंसान लड़ाई नहीं करता, या फिर किसी की आपस में होती नहीं है, तो फिर वो इंसान नहीं भाई, वो तो फिर भगवान ही होंगे मेरे हिसाब से, तो इंसान तो वो कभी नहीं हो सकते। तो हो जाती है, और हमारी होती है सिर्फ एक ही बात पे होती है कि ना तू सबसे ज़्यादा विश्वास करती है आदमी के ऊपर, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन अगले ने एक बार आकर के मीठा बोल दिया तो बस, हाँ वही बात सही है, अगला बिल्कुल सही है, चाहे उसने कुछ भी किया हो, तो मैं कहती हूँ कि हाँ मेरे साथ होता है, अगर मेरी एक बार किसी आदमी के साथ बन जाती है ना, तो मेरे लिए उसको बोलना बुलाना बहुत मुश्किल है,
पड़ जाता है आदमी को कई बार मजबूरी में, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश रहती है कि मैं उस आदमी के साथ निभा करके रखूं, पहल मैं नहीं करती हूँ, ना रिश्ता बनाते टाइम पे करती हूँ, ना फिर कभी अनबन हो जाए तो फिर ना उस टाइम पे मेरे साथ पे पहल की जाती है, लेकिन जब अगला मेरे साथ बात करना चाहता तो मेरे से मना नहीं किया जाता, मेरे से नहीं किसी का दिल दुखाया जाता है, लेकिन ये ना बिल्कुल लकीर खींच देते हैं जिसके साथ हो जाती है कि बस अब इसके साथ तो बोलना ही बोलना नहीं है, मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है। तो इस बात पर हमारी होती है, जब भी होती है ये बोलते हैं सिमा सुधर जा, ज़माना बहुत तेज है, आज के ज़माने में भी ना तो बहुत ज़्यादा मासूम है, और मेरे को बहुत डर लगता है कि कहीं कोई तेरा फ़ायदा ना उठा ले। मैं बोलती हूँ कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं शुरू दिन से ही ऐसी हूँ, मैं दिल से करती हूँ जो भी करती हूँ, कभी भी कोई भी ढोंग मैंने आज तक नहीं किया है, या मैं कभी भी किसी दिखावे के लिए किसी से नहीं बोली हूँ, अगर कोई करेगा अपने लिए करेगा, मैं भगवान पे विश्वास करती हूँ, और इसने मेरे साथ कभी बुरा होने भी नहीं दिया, चाहे अगले आदमी ने कितनी ही कोशिश करी हो कुछ भी करने की, लेकिन मेरे को बिल्कुल ऐसे निकाला एक झटके से, जैसे मतलब हम भी ना अचंभित रह जाते हैं कि ये हुआ तो हुआ कैसे। तो आपको मैं यही बोलती हूँ, कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, हमारे दिल में किसी के लिए पाप नहीं होने चाहिए, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, चाहे कोई कितनी ही कोशिश करता रहे, लेकिन नहीं, फिर भी इनको नहीं समझ में आती हैं बातें, इनको तो ये हो जाते कि नहीं संभल के रहो संभल के रहो, बस ये बातें ना फिर यहाँ पे होती है हमारी राम दिक्कत। राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में हार्दिक स्वागत है, और आज दिन है बुधवार और सुबह के बजे हैं 7:25 और हम जा रहे हैं स्कूल, तो आप भी आए स्कूल, और कैसे लगते हैं हमारे व्लॉग्स आप ज़रूर बताना, और आप क्या परिवर्तन चाहते हैं वीडियो में, आप क्या देखना चाहते हैं ये भी बताना, तो मिलते हैं आपसे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। डर क्या आता है? उस दिन के था? अच्छा और फल लगा दूँ बाय कर देते मम्मी बाय बाय।